बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इम्तियाज अली संगी अज नवी डिश के नाल तुहाडे सामने हाजिर है। जिस तरह कि तुसी वेखदे पे हो दोस्तो, फिश मैं लै के आया तो फिश लै के आया मली, तो यह चूल्हा मेरे कोल पिया, यह कढ़ाई पई मेरे कोल घी वाली, ठीक है जी, प्योर घी अच्छी वरायटी का। तो यह असी फिश लै के आए हैं, तो फिश के उत्ते लाजता फिश फिश मसाला असी जनाब इनू ना को 10 to 15 मिनट देने हैं फिश मसाला ला के, तो इनू असी अज फ्राई करन दा अंदाज तुहानू दस रहे हैं कि फिश पकौड़े किस तरह बनते हैं, तो इन दे उत्ते किहड़ी किहड़ी चीज़ अजाफी असी लानी है, ठीक है। बाकी तो असी तुसी ना इस तरह करो कि नवे व्यूअर जिहड़े ने वो साढ़े चैनल सबसक्राइब करो, बैल आइकॉन के बटन दबाओ, दोस्तों नाल शेयर करो। कोशिश करांगे अच्छा जिहा सोहना जिहा फिश तुहानू बना के विखाइए, रहना तुसी साढ़े नाल नाल है, तो इंशाल्लाह अच्छे अंदाज नाल ना ये सड़ेगी ना ये खराब होएगी ना ये मुतासर होएगी ना माहौलियात खराब करेगी, मेदे वास्ते बड़ी चंगी रहेगी। तो जनाब इनू असी लाया मसाला, तो मसाला लाने होर यानी कि ये 2 किलो फिश का एक पैकेट मसाला काफ़ी है दोस्तों, होर लाने की कोई जरूरत नहीं। बाकी चीज़ा भी असी इंशाल्लाह कोशिश करांगे। ये असी बनाने ने फिश पकौड़े, इहदा नाम की है जी, साढ़े ये ने फिश फ्राई नहीं फिश पकौड़े, असी अज फिश पकौड़े बनाने ने देसी अंदाज नाल, ते जिवें मैं पंजाबी बोलना पिया इवें पंजाबी दे मच्छी दे पकौड़े, और जिवें मेले वाले नहीं मच्छी दे पकौड़े, मच्छी दे पकौड़े इंज इंशाला बना के तुहानू विखावांगे। रहना तुसी नाल नाल साढ़े साढ़े चैनल सबसक्राइब करना, इहदा जरा वेख लिओ यह मसाला इहदे अंदर इस तरह इस तरह करके असी मलण मुलण डए हां, क्योंकि इहदे सारे मसावां नू मसाला अच्छे अंदाज नाल लग जाए, क्योंकि असी अज बना रहे हैं मच्छी दे पकौड़े जनाब, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी अं अग नू जलांदे होए आ, अग नू चलाने सिलेंडर नू, की गल हो गई है, पेच ही टैट ने, बंदा वा अनाड़ी, मैं कहना रोज़ हांडी रोटी करना जी, बंदा वा अनाड़ी, तो मैनू लगता इस सिलेंडर नू किसी ने पेचकस नाल ही मेल छड़िया है। लो जनाब, चलो जी चलो, लो जी ए साड़ा घी है, तो ये उत्ते असी घी नू रख दिने इत्थे, ठीक है। लो भी दोस्तों ए साड़ा बेसन है, तो बेसन दे विच थोड़ा जिहा असी नमक पा लेंगे, थोड़ियां मिर्चां पा लेंगे, ये असी बना रहे हैं फिश पकौड़ा, ठीक है जी। लो जी ए थोड़ियां जिहा असी मिर्चां पानियां ने, एवं थोड़ी जिहा क्योंकि वो फिश मसाले दे विच भी मिर्चां लपियां ने, इन्नियां मिर्चां पानियां जिहा साड़े आ बेसन नू मिर्चां लग जाए, ठीक है जी। तो उन्ना की हसरे जाकर असी नमक पाना जरा यह साढ़े बेसन नू नमक लग जाए। लो जी ए खुश्क धनिया साढ़े को, खुश्क धनिया भी असी हाथ के असना मल के अच्छे अंदाज में पाने की कोशिश करनी है। लो जी ये भी असी पा लिया, थोड़ी असी अजवैन है साढ़े को चौपर चाहिए डब्बिया ने, तो ये ही साढ़े को जवैन है, चौपड़ा के असी पाई है जवान जवाइन, ये है बड़ी जवाइन, ठीक है जी। जवाइन भी असी थोड़ी जी इन्नी एक जवाइन जी असी ये पा लेंगे, ज़्यादा जवाइन नहीं पानी फिश पकौड़े जी, ज़्यादा जवाइन पावे तो दोस्तों साढ़े ये पकौड़े थोड़े करवाहट मारनगे। एक होर चीज़ है, यह देखो काली मिर्च, ये काली मिर्च असी ये उत्ते लावे थोड़ी थोड़ी, ये उत्ते थोड़ी थोड़ी ला देंगे फिश के उत्ते थोड़ी थोड़ी काली मिर्च लावे, ठीक है जी। ये साड़ा तकरीबन तकरीबन यह माल मवाद सारा तैयार। लो दोस्तों इनू असी कर लिया मिक्स, ठीक है, इनू असी मिक्स कर लिया, जिमें जिमें अं इनू मिक्स कर लिया, यदा नमक मिर्च मसाला ला लिया, थोड़ा जहा असी इस पानी पाना, थोड़ा पानी पाना ताकि साडा ये जो फिश पकौड़ा इनू ये बेसन थोड़ा चिमर जाए। तो दोस्तों यह असी
ਇਹਦਾ ਬੇਸਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਪ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਅਤਰਾਫ ਅਤੇ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਪੀਸਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਐਵ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅੰਡੇ ਤੋਰਨੇ ਨੇ, ਤੋਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਅੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੈਂਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅੰਡੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਫੈਂਟਦਿਆਂ ਫੈਂਟਦਿਆਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਸ਼ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਂਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਜੇ, ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇਖੋ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਫੈਂਟ ਲਿਆ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਹਾਂ ਮਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਸਾਡੀ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਮਸਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਸ਼ ਮਸਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਦ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੀ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਂਟਣਾ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਂਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਵਾਲੀ ਸੰਗੀ ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਸੀ ਮੌਲਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਲ ਉਕਲ ਘੱਟ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵਰਤਣਾ, ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਬੇਸਣ ਘੀ ਘਿਓ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੀ ਹਮਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਘਿਓ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਂਡਾ ਫਿੰਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਲੇ ਨਾ, ਫਿਸ਼ ਪਕੌੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਲੇ ਨਾ। ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬੇਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਾ ਲਾਉਣਾ, ਅੰਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਟੇਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਰਾਇਜ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸਣ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਰਤਣੀ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪੱਕ ਜਾਵੇ, ਜਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮਨਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਚਿਮਟਾ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਘਿਓ ਗਰਮ ਹੈ, ਆਇਲ ਫੁੱਲ ਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਫਿਸ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਕੌੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ,
साडे चैनल सबसक्राइब करने मोहरे 16 दफा गया। जेडे नवे वेखन वाले ने मजा तां ते सोना जिहा कमेंट कर, असीं तुहानूं अच्छे अंदाज नाल काम करन दी कोशिश करके विखावांगे। ते टेस्ट तुसीं अपने घर बना के सानूं कमेंट करना है कि असीं बनाई है ते इहदा की टेस्ट आया, ठीक है, क्यों कि इह खाण वाली चीज़ है। इहदा ते वेखण दी हद तक ही अमल है ना साडे कोल वीडियो 'च। तुसीं अपने घर बना के साडे चैनल ते तुसां जरूर जरूर कमेंट करना है कि ये जी तुसें रैसिपी बनाई है मच्छी पकौड़ा, इहदा टेस्ट की बनया, किस तरह बनया, आंडा लाने का की फायदा होया। लो भाई दोस्तों, तकरीबन साड़ी फिश जी है सारी तैयार हो गई है, ठीक है। एक ऐसे पकौड़े ने अच्छे ने, खूबसूरत ने, प्यारे ने, अच्छा प्यारे ने। चलो हुण टेस्ट जी गल रह गई। मैं वहां रोजे च, साड़ी फैमिली साड़ी रोजे च, बाकी भी तैयारी करनी है। तुहानू आइडिया बड़ा ही प्यारा ते बड़ा ही मखसूस आ, थोड़े वक्त नाल बहुत ही बेहतरीन आइडिया दिता है, अच्छे तरीके नाल पका के अपने फिश पकौड़े। ये है मली, केड़ी फिश है, केड़ी मछली है, मली मछली, ठीक है। इहदे बनाए ने तुसी दूसरी ते भी बना सकते हो, चाने वाली भी बना सकते हो। ये अंडा लाओगे तो अंडे का एक फायदा होएगा कि तुहाडे उत्तों बेसन जिहड़ा ना बेसन ये निकलेगा नहीं, उतरेगा नहीं। अच्छे तरीके नाल पका के तुसी खानी है, खा के ते फिर कमेंट करना है। असियां रोजे अपनियां दुआवां सानू याद रखना है, प्यारे नाल शेयर करना है, अपने तो वड्डियां नाल अदब करना है ते निक्कियां नाल प्यार करना है, ठीक है। लो दोस्तों, असी हुण तुहानू विखाने आ अपनी फिश बनी हुई मुकम्मल अच्छे तरीके नाल। ऐ साडी फिश, ठीक है, ऐ साडी फिश है माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह तैयार। हुण असी अफतारी करनी है ते बाकी ऐ वैक होर भी निजी मामलात ने करन वाले, रहना साढ़े नाल नाल। अगली वीडियो का इंतजार करना है इंशाल्लाह बफजले जिंदगी दोबारा फिर मुलाकात होएगी। उन्नी देर तक दो इम्तियाज अली संगी नूं इजाजत, अल्लाह निगेबान।